हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स को क्रिएट करना सीखा और उसी के साथ हमने उसकी फॉर्मेटिंग भी सीख ली है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक ऐसे विजुअल की जिसमें आपको सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और उस विजुअल का नाम है कार्ड। यस, पावर बीआई में अगर आप कोई ऐसा डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं जिसकी सिर्फ एक ही फिगर हो, एक ही वैल्यू हो, तो ऐसे विजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज कार्ड। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे डैशबोर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको एक वैल्यू दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, डिस्काउंट, कुछ इस तरह की वैल्यूज जो सिर्फ एक ही नंबर आपको दिखाई देता है, तो वो हम प्रेजेंट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कार्ड्स। तो ये वीडियो कार्ड्स के ऊपर ही रहने वाली है। कार्ड्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें वैल्यूज जो है वो डालेंगे और कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबके ट्यूटोरियल्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सिंगल नंबर को विजुलाइज करना हो। तो ये आपके विजुलाइजेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा कार्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको विजिबल होगा। तो इसमें आ जाती है वैल्यूज़। तो देखिए, कार्ड में सिर्फ जैसे मैंने बताया कि एक ही नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर डेटा फील्ड भी एक ही है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। तो मैं अपना यहाँ पे ऑर्डर्स वाला डेटा यूज़ करूँगी। अब जैसे मुझे ये देखना है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की टोटल सेल कितनी हुई है, तो सभी प्रोडक्ट की बात हो रही है तो टोटल सेल की बात हो रही है, तो इसका मतलब मुझे एक ही वैल्यू मिलने वाली है। तो मैंने सेल पे क्लिक किया तो देखिए ये मेरी टोटल सेल है। तो अब हम एक और कार्ड क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट कार्ड है मेरा। अब मुझे यहाँ पे अगर कोई और चीज़ देखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, इतनी सेल करके मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह के जब विजुअल्स आप अपने डैशबोर्ड में यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है कार्ड। तो कार्ड जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसी वैल्यू जिसको आप विजुलाइज करना चाहते हो, जिसको आप अपने हायर मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हो जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे देखने में। तो अब बात करते हैं कि कार्ड के साथ क्या कोई और विजुअल भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक चार्ट ले लेते हैं, तो हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट ही यहाँ पे ले लेते हैं। इस स्टैक्ड कॉलम चार्ट में आपको पता है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और लेजेंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ रीजन वाइज हम देखेंगे कितनी सेल है। तो एक्स एक्सिस में मेरा रीजन आ गया और अब हम डाल देते हैं सेल्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चार्ट का और इन कार्ड्स का आपस में क्या लिंक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा ईस्ट रीजन है, देन वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ। अब जैसे मैंने सिर्फ एक ही रीजन पे क्लिक किया ईस्ट, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आप देखिए ये जो वैल्यूज हैं सेल और प्रॉफिट की ये चेंज हो गई हैं। अब मैं वेस्ट पे क्लिक करूंगी तब ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं, सेंट्रल पे क्लिक किया ये वैल्यूज और हैं, साउथ पे क्लिक किया तो ये वैल्यूज और है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये बेसिकली जो ये चार्ट है ये एसोसिएट हो गया है हमारे कार्ड्स के साथ। जैसे जैसे चार्ट में मैं ये रीजन सिलेक्ट कर रही हूँ उस रिस्पेक्टिव रीजन की कितनी सेल हुई है और उसी रीजन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है ये कार्ड अब हमें ये बता रहे हैं। जैसे मैंने वेस्ट पे क्लिक किया तो ये वेस्ट रीजन की सेल एंड वेस्ट रीजन का प्रॉफिट, सिमिलरली फॉर सेंट्रल रीजन एंड साउथ रीजन। तो इस तरह से कार्ड को आप अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इतना ही नहीं, कार्ड की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल्स और मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग करना सीखा, सिमिलर वे में आप कार्ड की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे और यहाँ पे आपको दो सेटिंग्स मिलेंगी, एक है विजुअल, दूसरा है जनरल।
सबसे पहले विजुअल की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है शेप। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे आप इसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, तो राउंडेड रेक्टेंगुलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की कुछ आपको शेप जो है वो कार्ड की मिलने वाली है। तो शेप आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स ये जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पे आपने क्या सेटिंग करनी है। तो यहाँ से आप फॉन्ट, तो ये देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। अब हम सेकंड वाले कार्ड पे आ चुके हैं, यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं, कलर आप क्या देना चाहते हैं। तो ये कलर जो है इसका चेंज हो गया है। अगर अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहते हैं, सेंटर अलाइंड हो गया है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं ये कॉल आउट की, मीन्स ये जो आपने टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है। थर्ड जो सेकंड होती है इसकी लेआउट की होती है, दिस इज ओरिएंटेशन, इस तरह से आपने इसको रखना है। एंड लास्ट इज फॉर कार्ड्स, तो ये फिल हो गया, बॉर्डर हो गया, शेडो, ग्लो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हम जनरल सेटिंग में, जिसमें सबसे पहले मिलेगी आपको प्रॉपर्टीज़। हाइट एंड विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जनरल सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये बॉर्डर का कलर हो गया है, तो इस तरह से आप ये इफ़ेक्ट्स जो हैं अपने कार्ड को दे सकते हैं। तो कार्ड आप किसी भी और विजुअल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आप इवन टेबल के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, आप टेबल में भी अपनी एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे तब भी आपके ये जो कार्ड है वो अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कार्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है कार्ड्स हमें पावर बीआई में, और इनकी फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।